हे गाइस व्हाट्सअप, आज मैं आप लोगों के लिए एक और कमाल का वीडियो दिखा चुका हूँ। और गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पांच कमाल के डेली नीडेड गैजेट्स दिखाऊंगा। तो ये रहे सारे गैजेट्स। और यार वीडियो का पर्पस ये नहीं होता कभी भी कि आप लोगों को काफ़ी महंगे गैजेट्स दिखाए जाएँ जो मतलब अच्छे तो हों लेकिन वो कभी हम लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ। इससे अच्छा कुछ यूनिक यूजफुल गैजेट्स दिखाए जाएँ जो हम लोग अफोर्ड कर पाएँ सब लोग और हमारी डेली लाइफ में हमेशा काम आए। और यार अभी इंस्टाग्राम पे गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कुछ इस तरफ है, अगर आप चाहो तो उस गिव अवे में जाके इंस्टाग्राम पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे ज़रूर पता चलता है कि ये वीडियो कैसा रहा, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, ऐसे वीडियोज़ मैं और बनाऊँ कि नहीं। एंड यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में गाइस जो गैजेट्स में दिखाने वाला हूँ आप डेली वर्क करते टाइम या ऑफिस या कॉलेज में कैरी कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट इस लिस्ट में गाइस ज़िवोनिक्स पोर्टेबल स्पीकर। तो मैंने अभी तक जितने भी पोर्टेबल स्पीकर्स देखे उसमें से मेरे को सबसे अच्छा ये स्पीकर लगा। एक तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, डेस्क पे आराम से रख जाता है और इसके स्पीकर्स भी काफी अच्छे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम चेंज करने के लिए बटन मिल जाएंगे एंड प्ले पॉज का बटन है फ्रंट साइड में। उसके बाद ये पूरा स्पीकर काफी अच्छे रबर मटेरियल से कोटेड है। साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप ये पार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, कोई भी यूएसबी कनेक्ट करके भी सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, वो भी इतने छोटे से स्पीकर में आपको यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, काफी अच्छी बात है ये। एंड यूएसबी पोर्ट के साथ यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिलता है, तो आप लोग माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं इस स्पीकर में सॉन्ग्स प्ले करने के लिए। एंड इवन यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है, ऑक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आता है। तो मींस इसमें सारे फीचर्स है जो एक बड़े अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर में होते हैं, ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको रेडियो का फीचर भी मिल जाता है, मतलब इन लोगों ने कोई फीचर छोड़ा ही नहीं है जो इस स्पीकर में ना हो। शायद आप इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसका साइज तो काफी छोटा है, मेरी पाम में काफी अच्छे से फिट हो जा रहा है ये, मैं इसे एक हाथ से आराम से होल्ड कर सकता हूँ। और आपको मैं इसकी अभी साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ। इसकी साउंड भी काफी ज्यादा लाउड है, अच्छी है एकदम बढ़िया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो टेबल वाइब्रेट हो रही थी हल्की हल्की सी, एंड साइड में फोन रखा था वो भी वाइब्रेट हो रहा था। ये स्पीकर अपने प्राइस के हिसाब से पूरा वर्थ है और डेली यूजेज के लिए काफी अच्छा है, आप इसे आराम से कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी यार काफी अच्छा और यूजफुल प्रोडक्ट है, ये है 120 डिग्री लैपटॉप स्टैंड। इस लैपटॉप स्टैंड की सबसे अच्छी बात तो ये है, एक तो ये पूरा एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है तो काफी स्ट्रांग है ये, और ये काफी ज्यादा स्लीक है, मतलब ये एकदम एक पतली सी नोटबुक के बराबर है। और यार जब हम लोग लैपटॉप के लिए कोई स्टैंड यूज नहीं करते हैं तो हमारा लैपटॉप काफी देर वर्क करने के बाद नीचे से हीट होने लग जाता है, हीट नीचे से रिलीज नहीं हो पाती। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की है, जब से मैं लैपटॉप स्टैंड यूज कर रहा हूँ तो मेरे को टाइपिंग करने में भी इजी हो गया है और टाइपिंग और ज्यादा फास्ट होती है। लैपटॉप एक जगह स्टेबल रहता है और नीचे से एयर रिलीज हो पाती है, तो लैपटॉप काफी देर यूज करने के बाद भी ज्यादा कुछ हीट भी नहीं होता और मुझे वीडियो एडिटिंग और दूसरे काम के लिए काफी देर यूज करना पड़ता है लैपटॉप, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट काफी काम कर रहा है, मैं इसे डेली यूज करता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस काफी अच्छा प्रोडक्ट है और धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, ये है वायरलेस ईयरबड्स। तो गाइस अभी वायरलेस हेडफोन्स एंड कॉलर ईयरफोन्स के बाद ये चीज उनसे भी ज्यादा डिमांड में है अभी। इन वायरलेस ईयर प्लग्स की सबसे अच्छी बात तो ये है कि काफी छोटे होते हैं एंड आपके ईयर्स में भी काफी परफेक्टली फिट हो जाते हैं। इसके साथ आपको डिफरेंट साइज के आगे के ईयरबड्स भी मिलेंगे, तो आप वो चेंज कर सकते हैं अपने ईयर के अकॉर्डिंग। एंड ये आगे की साइज से टच सेंसिटिव भी है, तो आप इनको टच करके ही कॉल रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हैं, ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और आपके फोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहती है तो एक तो वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इसके बॉक्स में ही चार्ज हो जाते हैं, नॉर्मल फोन चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। एंड इसके बॉक्स को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 3 to 4 hours लगते हैं, एंड अगर एक बार बॉक्स फुल चार्ज हो जाता है तो ये ईयरबड्स 3 to 4 days चल जाते हैं विदाउट कोई चार्जिंग के। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, ये है मल्टीपल यूएसबी कनेक्टर। तो गाइस ये मल्टीपल यूएसबी कार्ड रीडर्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, तो एक ज़िवोनिक्स का काफी अच्छा मल्टीपल यूएसबी कनेक्टर है जिसमें आपको 4 USB ports मिलते हैं। एंड इसके सारे पोर्ट्स में ब्लू कलर की एलईडी लाइट लगी हुई है जो कि एक तो काफी अच्छी लगती है जब ग्लो होती है और थोड़ा नाइट टाइम पे पता भी चलता रहता है कौन सा पोर्ट खाली है यूज करने के लिए। इसमें आप ऐसे ही मल्टीपल यूएसबी ड्राइव्स लगा सकते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, माउस, सिग्नल रिसीवर, कार्ड रीडर, एक बार में आप 4 चीजें आराम से लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
ये भी डेली रिक्वायरमेंट का ही प्रोडक्ट है। गिजगा कंपनी का काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप कवर है, अंदर से काफी अच्छा सॉफ्ट एंड कुशनी है, तो लैपटॉप को काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, आपका लैपटॉप प्रोटेक्टेड रहेगा। इवन जब हम लोग बैग में भी रखते हैं तो ये लैपटॉप को डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर हम लोग बैग कहीं रख रहे हैं या गलती से किसी ने बैग गिरा दिया, तो ऐसे केसेस में लैपटॉप को इस कवर की वजह से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। इवन लैपटॉप रखने के बाद भी इसमें अच्छा खासा स्पेस रहता है, तो आप लैपटॉप के साथ ही कुछ एसेसरीज जैसे इसका चार्जर हो गया, ये मल्टीपल यूएसबी कनेक्टर, पावर बैंक आराम से इसमें डाल सकते हैं। बट हाँ, ये तभी डालो जब आप इसे ऐसे हाथ में कैरी कर रहे हो और एक कवर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हो। इसे बैग में रखना है तो मत डालना ये सब चीजें, वरना लैपटॉप के ऊपर प्रेशर आएगा और लैपटॉप का स्क्रीन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और यार, ये पावर बैंक जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पावर बैंक भी काफी अच्छा है। इस पावर बैंक और ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है या उसका प्राइस देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इस पावर बैंक की एक अच्छी बात है कि इसमें आपको एक कट ऑफ फीचर मिल जाता है, मतलब कि अगर आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है तो ये आईसी की वजह से वोल्टेज मेंटेन कर लेता है, एंड आपके फोन का फुल चार्ज होने के बाद ये उसको फिर चार्ज नहीं करता है, एंड ऑफ हो जाता है, तो इसकी पावर भी सेव हो जाती है। इस तरह से काफी स्लीक और पतला बॉडी है इसका कंपेयर टू अदर पावर बैंक्स। अगर आपको कोई पावर बैंक चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको भी एक बार परचेज करने के लिए देख सकते हैं। तो ये थे इस वीडियो के 5 गैजेट्स। आप लोगों को प्रोडक्ट्स कैसे लगे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली और जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू सून।